ये आरती के दीदी का लड़का है, ये छोटा सा बच्चा आरती, हाँ पवन यादव का बेटा है। हाँ ये बच्चे अच्छे होता है, ये बच्चों का माता कब तक परवरिश कर पाएगी? हम ये नहीं कहते माता नहीं कर पाए, कर लेगी, लेकिन कितना कठिनाइयाँ हो रही है माता जी को। अच्छा बेटा क्या नाम है आपका? मुन्नी कुमार। पापा का याद आता है? हाँ। पापा का याद आता है ना? हाँ। अच्छा पापा जब रहते जब थे तो क्या कहते हैं चॉकलेट वोकलेट देते थे ना? हाँ। लाते थे ना? हाँ। पढ़ने जाते हो? ना। पढ़ने नहीं जाते? ना। पढ़ने जाया करो, ये जान लो। सोचने वाली इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है? छोटे से बच्चे की क्या गलती है? इस बच्चे की क्या गलती है? इसके पिताजी को जेल भिजवा दिया गया। पापा खाए नहीं। क्या चीज? कान कान है वो बच्चा खाए नहीं। पापा जो पढ़नी तरनी सब छूट गए। आप पवन आरती आरती का पति मिलिए गए, छोटू को तो मरवाइए दिल्क, सब खानदान के जेल में दिए दिल्क, सब कान है या सब आप सोचे जो आरती सबके घर उजाड़ दिल्क। आरती के निर्दोषी आदमी का फसायल छे, वो अपना शादी तक कहिए ललक। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका क्या बताई? फुलेश्वरी देवी। आपके कहते हैं पवन यादव की के कहते हैं माता जी नानी है? नानी, नानी पवन है? के हम नानी छे। अच्छा बताइए, हाँ। आरती ने जो शादी कर लिया है, क्या आरती ने सही किया है? अब तू लोग सोचे ये सही किया है कि गलत किया है, हम की सोचब? हम की सोचब? वो लोग ने सोचता है। आपके नाती को जेल में भेज दिया है उन्होंने? हाँ वो भेज दिया है। हाँ? निर्दोषी पूरा गांव थाना पता लगवा जे उकरा कोनो दाग छे। गरीब आदमी कमाबे छे खाए छे, अग्नि रहे के घर नहीं छे ओकरा। हाँ, आप पवन आरती आरती का पति मिलिए गए, छोटू को तो मरवाइए दिल्क, सब खानदान के जेल में दिए दिल्क, सब कान है या सब आप सोचे जो आरती सबके घर उजाड़ दिल्क। आरती हम आरती आरती ने ये बोला था कि हमारे जो जीजा हैं पवन यादव, वो हमारी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। नहीं नहीं, उस साल भर से 10 साल से बाहर में रह चाहे, और पवन शादी करब पवने के बेटी छी जो शादी करब धीरेन्द्र के बेटी रे, ऊ ना करती है? बिल्कुल बिल्कुल ऊ ना करते, दूसरा बेटा के घर में मरवा दिल्क आ अपन सबके अपना बचे खातिर सबके फंसा दिल्क। उ लोग विचार करे पवन का छोड़ावे, बाल बच्चा हकन करे छे काने छे, हमर जे कहना छे निर्दोषी का फसा देलके। अच्छा कहाँ है आरती की दीदी, कहाँ आई? उनसे हम बात करते हैं, उनसे सिर्फ द्वार में है, बुलाइए उनको, बुलाइए क्योंकि हमारे कहने को गलत। हाँ नहीं सही बोल रही, एकदम एकदम, हाँ यही सही बोल रही हैं आप। नहीं नहीं वो हाँ। छूटेंगे वो जल्दी, हाँ। जल्द छूटेंगे। सत असत के विजय होना चाहिए, सत असत के विजय होना चाहिए बाबू, इतने बात कहवा हमारा। ये जान लीजिए दर्शकों, जिस तरह से आरती ने आरोपी बनाया है, आरती ने अपने जीजा जी के ऊपर आरोप लगाया है, सोचने वाली बात है। खुद जीजा जी को जेल भिजवा कर उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं कहाँ जाएं? कौन उनको सेवा पालन करेगा? आप ही बताइए। हाँ आइए उनके दीदी से पूछते हैं, वो बताएंगी आपको कि किस तरह से उनके ऊपर बीत रहा है, ये जान लीजिए। और आपको ये बता दें दर्शकों, ये जान लीजिए बहुत ही बुरी स्थिति में है इस वक्त, समझ रहे हैं? वो खुद मजदूरी कर रही है, छोटा सा बच्चा है ये, आ जाइए आ जाओ, ये आरती के दीदी का लड़का है, ये छोटा सा बच्चा आरती, हाँ पवन यादव का बेटा है। हाँ ये बच्चे अच्छे होता है, ये बच्चों का माता कब तक परवरिश कर पाएगी? हम ये नहीं कहते माता नहीं कर पाए, कर लेगी, लेकिन कितना कठिनाइयां हो रही है माता जी को। हाँ आरती की बहन को, आरती की बहन ही सब कुछ कर रही है। अच्छा बेटा क्या नाम है आपका? मुन्नी कुमार। पापा का याद आता है? हाँ। पापा का याद आता है ना? हाँ। अच्छा पापा जब रहते जब थे तो क्या कहते हैं चॉकलेट वोकलेट देते थे ना? हाँ। लाते थे ना? हाँ। पढ़ने जाते हो? ना। पढ़ने नहीं जाते? ना। पढ़ने जाया करो, ये जान लो। सोचने वाली इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है? छोटे से बच्चे की क्या गलती है? इस बच्चे की क्या गलती है? इसके पिताजी को जेल भिजवा दिया गया। पापा खाए नहीं। क्या चीज? कान कान है वो बच्चा खाए नहीं। हाँ। पापा जो पढ़नी तरनी सब छूट गए, सोचने वाली टका भेज रहे पढ़
ट्यूशन और अब सब कुछ बंद। अब पिताजी नहीं है, कमाएंगे कौन, फीस कौन देगा? सोचने वाली बात है। एक लड़की ने अपने क्या कहते अपने खुद के लिए अपने बहन का घर, अपने भाई का घर, खुद अपने माता पिता को, अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, सारे सब लोगों को आज ये जान लीजिए जेल भेजवा करके जिस तरह से उसने आज उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा क्या आप मानती हैं कि आरती की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई? जिंदगी बर्बाद भाग गई हमारा नैत के। आप निर्दोषी का फंसा दल का बाबू पूरा भला नहीं है तो ये बात हम जो कहे छ दस दुराही जंगल वासी दस दस दुरु दिए दल के दुराही उरा आशिक दल के जे एहन आदमी के नहीं फसाना चाहिए। अपना जे कैला से कैला मगर यस का किया हम फसा को नहीं फसाना नहीं फसाना चाहिए। उनसे बात कराइए, उनके दीदी से बात कराइए, दो शब्द उनका लेंगे। गेले बोलबै ले गेले कहां गई हैं? गेले बोलबै ले भेजलिए गए हैं। ये जान लीजिए दर्शकों, उनकी बात सुनवाते हैं, वो खुद बताएंगी कि उनके पति निर्दोष हैं। ये जान लीजिए फंसाया जा रहा है उनके पति को, उनका बात आपको सुनवा देंगे। बस रुके रहिए आप दो मिनट के लिए, हम उनसे 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 बात करके सुनवाते हैं। अन्याय नहीं होना चाहिए, इतने अन्याय नहीं होना चाहिए जो दोषी का निर्दोषी का फंसा कर सबका बर्बाद कर लक सब घर का उजाड़ दल का आरती। हाँ इस समय आरती के पक्ष में कोई नहीं है, आरती के पत्रकार भी उसके पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, महिला आयोग की जो कुछ अधिकारी हैं वो भी क्या कहते हैं आरती का विरोध कर रही हैं। जिस तरह से उसने वादा किया था हम शादी नहीं करेंगे और अपना घर बसा दी लिया उसने, दूसरों का घर उजाड़ दिया उसने। हाँ बाबू अपन घर बसल कर दूसर के घर उजाड़ लक आप लोग निर्णय कर सत असत के विजय कर सत असत के विजय कर एहन बेटी रहते जो सबका फंसा देते बाप भाई के आँ जिंदगी में काट देती है रह नहीं देती है तकनी। आपसे हम अभी उनसे बात कराते हैं, पवन यादव की पत्नी और आरती की सगी बहन है, वो खुद बताएंगी कि उनके पति निर्दोष हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, उनको बुला दीजिए।